करेंगे देश के नॉर्थ ईस्ट की, जहां पर मणिपुर को लेकर मचा है बवाल। मणिपुर एक ऐसा राज्य जिसकी डेमोग्राफी को अगर आप देखते हैं तो वहां तीन प्रमुख जातियां निवास कर रही है, जिसमें से कूका, नागा और मैती। अगर डेमोग्राफी की बात करें, अगर भाषा की बात करें, अगर वोटिंग की बात करें, अगर सीटों की बात करें, तो आप देखेंगे कि मैती जाति का वहां कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है। चलिए उसको वहीं हम रखकर अब आगे बढ़ते हैं। अभी जिस तरीके से हिंसात्मक रुख अपनाया हुआ है मणिपुर में, यह हिंसात्मक रुख के पीछे का कारण क्या है थोड़ा समझना पड़ेगा। 2.5 महीने पीछे घटना घटती है और आज सोशल मीडिया पर यह बवाल होता है। आज सोशल मीडिया पर लोग एक्टिव होते हैं। 63 के बाद तकरीबन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान आता है, इससे विपक्षी लोगों में आक्रोश है। हर राज्य सरकार जहां से अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करती है, राज्य सरकार अपने सीटों की संख्या बढ़ाने की कोशिश करती है, ऐसे में अचानक इस तरह का एक वाकया किसी भी राज्य में, जबकि 2024 का चुनाव बिल्कुल नजदीक है। 2024 का चुनाव को अगर हम देखते हैं तो किसी भी एंगल से यह केंद्र सरकार के पक्ष में एक बेहतर नहीं रहेगा। लेकिन 2024 की राजनीति हम बाद में बात करें, हम मानव की बात पहले करें, मानवीय सभ्यता की बात पहले करें, भारतीय सभ्यता की बात पहले करें। भारतीय सभ्यता और मानवीय सभ्यता की बात करेंगे, जहां स्त्रियों की पूजा की जाती है, जहां स्त्रियों को सब कुछ समझा जाता है, उनके लिए आज सम्मान पुरुषों से बढ़कर है। ऐसे में दो महिलाओं को मणिपुर में निर्वस्त्र करकर घुमाया जाना, उनके साथ अत्याचार किया जाना, कोई भी जाति करता है, कोई भी व्यक्ति करता है, कोई भी समुदाय करता है, तो मुझे लगता है यह अमानवीय है। मेरा चंद सवाल है, जब यह घटना घट रहा था तो वहां भी आसपास लोग रहे होंगे, वो क्या कर रहे थे? मेरा चंद सवाल के साथ एक सवाल और जुड़ा हुआ है, अगर उनमें हिम्मत नहीं थी विरोध करने का, तो आज यह हिम्मत जुटाने से जो आप इस चीज को परत दर परत सामने लाकर रखने की कोशिश कर रहे, यहाँ पर थोड़ा सा और सोचना होगा कि क्या ऐसी घटनाएं देश में फिर ना घट जाए। पक्ष विपक्ष अपने बयानबाजी का कयास लगाए, लेकिन मैं व्योम टीवी के पेज से उमेश यही जानना चाहता हूं, जहां हम आजादी के स्वर्ण जयंती मनाने पर तैयार है, 75वें वर्ष हम मना चुके हैं, 75वें वर्ष की ओर अग्रसर है, ऐसे में जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर सरकार बहुत संजीदा है, हर सरकार संजीदा है। मैं हालांकि ये स्लोगन बीजेपी के द्वारा दिया गया, मैं केवल बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, हर राज्य सरकार इस पर संजीदा है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, जेएमएम की सरकार हो, बसपा की सरकार हो, सपा की सरकार हो। मैंने सदा मैं डायरेक्ट किसी का अपोजिशन नहीं रखूंगा कि कभी किसी ने पर्दा नहीं किया, हर राज्य हर समय में महिलाओं को आगे लाने का एक बेहतर कोशिश किया गया। लेकिन यह मणिपुर की घटना न केवल अमानवीय है बल्कि अशोभनीय भी है। भारत के किसी कोने से, भारत के किसी दर्जे से, भारत का कोई भी व्यक्ति इस तरह की बात का अगर खंडन नहीं करता है तो वह जीवित प्राणी नहीं है, वह जीवित मनुष्य नहीं है, वह भारतीय नहीं है, भारतीय की आत्मा नहीं है। आप किसी भी देश में रहे, उस तरह भी उस देश में इस तरह की घटनाएं अगर घटती है तो मुझे लगता है पूरा देश सर्वसार होता है। कुछ लोगों के तरफ से इस तरह का कार्रवाई किया जाना, इस तरह का निंदनीय कार्य किया जाना, कुकृत किया जाना, अब प्रधानमंत्री जी ने एक बयान रखा है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। श्रीमान हम आपसे अनुरोध यही करेंगे अपने व्योम टीवी के पेज से, दोषी बख्शे नहीं जाए, साथ ही साथ एक मैसेज समाज में इस तरीके का जाए कि जो इस तरह का जघन्य अपराध करने की कोशिश करता है, जो इस तरह का सोचता है कि हम किसी तरीके से बचकर निकल जाएंगे या मैनेज करके जो 66 दिन निपट गया, मुझे लगता है अब ऐसी कार्रवाई दिखे ताकि मणिपुर की घटना भारत के किसी कोने में ना। जय हिंद। मैं तो कठोर निंदा करता हूं और बस एक ही अनुरोध करूंगा कि शांति और सौहार्द हमारे देश में बनाए रखने में जिस तरीके से पहल करनी चाहिए वो सदैव आगे है।